हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों बिहार सरकार की एक नई योजना के बारे में। आवेदन की शुरुआत हो चुकी है, आप भी आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे आप आवेदन कर सकते हैं। और ये एक ऐसी योजना है बिहार सरकार की जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। और जब आप नया कुछ सीखते हो तो जाहिर सी बात है उसमें कि कुछ फीस चार्ज वगैरह लगता है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। जी हाँ, आपको यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि टोटल 3000 रुपए आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है जनवरी से लेकर जून तक। ये आपकी ट्रेनिंग होगी, टोटल 6 महीने की ट्रेनिंग है। तो इसके बारे में हम जानकारी आपको देने आए हैं, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पे आपको ये सारी जानकारी अप टू डेट की गई है। दोस्तों ये जो अपडेट है इसके लिए आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको जो भी प्रशिक्षित यानी कि जो आप छात्र होंगे प्रति महीना आपको 1000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। पटना नगर से है या तो आपको 1000, और पटना नगर से बाहर के हैं तो 110 महिला प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास के यहाँ पे आवंटित होने की स्थिति में भोजन और अल्पाहार हेतु प्रति माह जो है आपको 1500 रुपए मिलेगा। यानी कि अगर आप पटना से बाहर के रहने वाले हैं तो आपके लिए, तो जाहिर सी बात है ये जो लोकेशन है इसका प्रशिक्षण का यानी ट्रेनिंग का, ये आपको पटना में होने वाला है और इसकी राशि अलग से दी जाएगी आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा जो लोग बाहर से हैं। पटना नगर से बाहर के जो पुरुष परीक्षार्थी हैं उनको यहाँ पे 2000 रुपए दिया जाएगा। और ये राशि दोस्तों जो कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि ये आवासीय और भोजन के लिए अलग से जो है 1000 रुपए आपको दे होगा। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कर सकते हैं, जिस वेबसाइट पे हम लोग हैं यहाँ पे अभी। इसके अलावा आवेदन जो है आप फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड पे भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है। ये कुछ इस तरह से आपको इसका फॉर्म दिख जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम है ना, जन्म तिथि और शैक्षण योग्यता, प्रावेदिक योग्यता यानी कि जो भी आपका उद्योग क्षेत्र में कुछ योग्यता है या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है इसको लेकर, तो वो सारी चीज़ आप बताएंगे यहाँ पे। और जाति क्या है आपकी, बैंक का नाम क्या है, IFSC कोड, खाता नंबर, पैन कार्ड संख्या है ना, सेल्फ का नाम, जो किस क्षेत्र में आप जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसका नाम बताना है। चूंकि यहाँ पे ये जो है सारी चीजें बताई गई है कि इस क्षेत्र में जो है आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसके लिए आपको दोस्तों ये फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भर के आपको यहाँ पे जाके हैंड टू हैंड जो है हाथों से अपने आवेदन कर लेना होगा। तो ये दोस्तों ये बात अपडेट की गई यहाँ से, आप या फिर इसको अपने gmail ID से है ना, इनके gmail ID पे अपना सारा डिटेल भर के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे ये दूरभाष संख्या दिया गया है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए कोई फीस चार्ज आपसे यहाँ पे अभी नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट डेट्स भी अपडेट किया गया है, जैसे कि आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे 26 दिसंबर है और जो व्यावहारिक और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा आपका ये 29 दिसंबर को होगा। तो प्रशिक्षण सत्र शुरू होने का जो स्थिति है वो 1 जनवरी 2023 से शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि January 1st से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो अप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप यहाँ से जो है ये लिंक दिया गया है, आप यहां से क्लिक कीजिएगा तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म इसका डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार सरकार की तरफ से उद्योग विभाग ने यहां पे अपडेट दिया है और ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है उपेंद्र महारथी सेल्फ अनुसंधान पटना की तरफ से आपको दी जा रही है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट भी इन्हीं का है और हस्तशिल्प में 6 महीने की ये निःशुल्क ट्रेनिंग होगी आपकी। निःशुल्क यानी कि कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लग रहा है आपका, बल्कि उल्टा आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रहा है यहाँ सीखने को लेकर। प्रति माह आपको 1000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। पटना नगर निगम क्षेत्र में बाहर के अगर छात्र हैं तो ये सारी क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए मेंशन की गई है, और यहाँ पे जो छात्राएं हैं उनको 1500 और जो बाहर के छात्र हैं उनको 2000 रुपए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपडेट मैं आउट करना चाहूंगा यहाँ पे। पात्रता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए यहाँ पे एक चीज और लिख दिया कि निःशुल्क प्रशिक्षण है, कहीं भी आपसे फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पात्रता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आवेदक या आवेदिका जो है वो शैक्षणिक योग्यता सप्तम वर्ग उत्तीर्ण होना चाहिए, कम से कम 7वीं पास आपका होना अनिवार्य है। आवेदक होंगे जो यहाँ पे उम्र सीमा 16 से लेकर 40 साल तक के जो छात्र हैं
या छात्राएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। आयु का निर्धारण 31 दिसंबर 2022 से किया जाएगा, यानी कि कैलकुलेट किया जाएगा। संस्थान में पहले से अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आप आवेदक हैं या आवेदिका हैं, तो आपका चयन नहीं किया जाएगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों। अगर आप इस उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान से अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है या कर रहे हैं, तो आपको फिर से यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। आवेदक या आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र जो है अधोलिखित वेर पत्र पर समर्पित करेंगे, जो आपको फॉर्म दिया गया है आप इससे भी कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन का जो प्रोसेस है यह भी आपको यहाँ पे दिया गया है, आप ऑनलाइन भी इसका फॉर्म भर सकते हैं या भर सकती हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ये फॉर्म का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपडेट है कि जो भी आवेदक होंगे उनका नाम, उनका पिता का नाम, या अगर महिला है छात्र है और शादीशुदा है तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। भाई पति का नाम दीजिएगा, स्थायी पता अपना देना है, पत्राचार का पता देना है ना, और शैक्षणिक योग्यता आपको बतानी है, अपनी जन्म तिथि बतानी है, शिल्प का नाम यानी कि आपको कौन से क्षेत्र में आपको ट्रेनिंग मिलनी है, फिर जाति, फिर बैंक का नाम, खाता संख्या, और फिर अन्य योग्यता जो कि पासबुक पे आपको मेंशन की गई है। प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है 26 दिसंबर तक सबमिट कर देंगे। तो आप ऑनलाइन अगर सबमिट करना है तो 26 तारीख लास्ट डेट है आपके लिए, और जितना डॉक्यूमेंट्स आपका है ना, आपका आधार कार्ड वगैरह होगा या फिर आपका पहचान पत्र के लिए साथ साथ जो आपका एड्रेस प्रूफ होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। साथ ही साथ अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएशन है तो भी आपको यहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देना होगा शाम के 5 बजे तक। ये सारी चीज अपडेट करनी होगी आपको। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है, अगर आप हैंड टू हैंड जाके आवेदन को जमा करना चाहते हैं तो आप जो है इनके संस्थान जा सकते हैं, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान पटना 13 कार्यालय में हाथों हाथ जाके, या फिर डाक के द्वारा भी आप जमा कर सकते हैं। ईमेल जो है आप कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे, ताकि ये सारी चीजें उनको मिल जाए। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 26 दिसंबर है लास्ट डेट, रात 12 बजे तक। परीक्षार्थियों को यहाँ पे दोस्तों चयन का जो है प्रोसेस है वो व्यवहारिक यानी कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए, योग्यता प्रमाण पत्र की जांच के आधार पर की जाएगी। 29 दिसंबर को यहाँ पे 10:30 बजे संस्थान के संबंधित शाखाओं में आवेदक आवेदिकाओं का व्यवहारिक और साक्षात्कार एक इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें कि सभी प्रमाण पत्र और मूल प्रति के साथ साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। आपको बुलाया जाएगा यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यू के लिए 29 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको जाना है इनके कार्यालय में, ये कार्यालय का पता है यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है, यहाँ से आप इसको नोट भी जरूर कर लीजिएगा। आवेदक या आवेदिका अपने आवेदन पत्र पर एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूर चिपकाएंगे, और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो अपलोड जरूर कर दीजिएगा, 50 KB से ज्यादा बड़ा साइज मत रखिएगा। और चयनित परीक्षार्थी जो है, ये प्रशिक्षण सत्र जो है 1 जनवरी से उनका शुरू हो जाएगा, और आवेदन आवेदिका को बिहार के निवासी होने का प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्र छात्राओं के लिए है। तो आप जो है इसके लिए आवेदन यहाँ से कर सकते हैं और कर सकती हैं। ऑफलाइन फॉर्म के लिए आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा और ये जो है आप इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, ये लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दोनों ही यहाँ से आप आवेदन कर लीजिएगा। तो ये डिटेल है दोस्तों, और ये अपडेट की गई है आपके हस्तशिल्पों के लिए। अब ये हस्तशिल्प में जो है कौन कौन सी कैटेगरी में जो है आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे कि सूत की बुनाई होती है ना, आप वहां पे उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। रंगाई छपाई जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, वेणु या चटाई की बुनाई, पेपर मैसी शिल्प, या फिर मृणमय जो कि एक तरह का पेपर होता है टेराकोटा का, यहाँ पे कपड़े पे काम होता है उसका, या फिर काशीदारी कास्ट, दक्षिण कास्ट, या खिलौने, या टिकुली पेंटिंग, या चर्म शिल्प, या मिथिला पेंटिंग, या मेटल क्राफ्ट पेंटिंग, या सिक्की कला, या पाषाण शिल्प, या फिर सिरामिक शिल्प, या मंजूसा पेंटिंग, या फिर सुजनी शाखा गुड़िया पेंटिंग शाखा, या जूट शिल्प में आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी हाँ, आप इन सभी में, इन सभी शिल्प के नाम है जो दिए गए हैं, इनमें आपको यह ट्रेनिंग दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7वीं पास होना आपका जरूरी है कम से कम, और आप अपना स्थायी पता यहाँ पे देंगे, और एक वर्तमान पता भी अगर कोई दूसरी जगह पे आप रह रहे हैं तो, लेकिन स्थायी पता जरूर दीजिएगा, और वर्तमान पता अगर सेम है तो वही लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डालेंगे जिससे कि आप कॉन्टेक्टेबल हो सके उन लोगों से। और ये ट्रेनिंग दोस्तों आपके लिए बिहार सरकार की तरफ से करवाई जा रही है, तो आपको बिहार सरकार की तरफ से ये छात्रवृत्ति भी दी जा रही है जो कि आपको अपडेट किया गया है। तो बिहार सरकार की एक ये योजना है दोस्तों, जहाँ से आप छात्र या छात्राएं कुछ सीख सकते हैं और खुद का फिर बाद में यह व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। तो
तो जब आपके अंदर टैलेंट होगा, आपके अंदर आर्ट होगा कोई, तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं एक छोटा सा बिजनेस, एक लघु उद्योग बिजनेस जो है जरूर खोलेंगे। तो ये आपको बता दूं कि ये उद्योग क्षेत्र को लेकर अपडेट किया गया। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको देने होंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। या जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके पास जो है आवेदक या आवेदिका जो है बिहार के निवासी प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा, है ना। साथ ही साथ बैंक का पासबुक आपको, आधार कार्ड आपको, पैन कार्ड आपको, है ना, उसका फोटो कॉपी सब लगेगा, आदि सभी प्रमाण पत्र जो है छाया प्रति यानी कि फोटो कॉपी अवश्य संलग्न करेंगे। परीक्षार्थियों को कम से कम एक सप्तम यानी कि सातवां पास उत्तीर्ण होना चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया है। फिर आप जो है यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे और इसको जो है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके शेयर कर देंगे, और या तो आप ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है और ये बोला गया है 1 MB से ज्यादा फाइल बड़ा नहीं होना चाहिए और 50 KB का जो है साइज मेंशन कर लीजिएगा, बट 1 MB ज्यादा होता है आप उसके देख लीजिएगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय यहाँ पे अपना नाम, अपना लास्ट नाम, है ना, फादर का नाम या पति का नाम है तो पति का नाम दे दीजिएगा, उनका लास्ट नाम, जेंडर क्या है आपका, मेल है या फीमेल है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका ये बताना है आपको, और करेंट एड्रेस आपको देना, अपना पिन कोड अपना बताना है जहाँ पे रहते हैं, जिला कौन सा है और स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। फिलहाल आप बिहार स्टेट का ही भरिएगा छात्र, चूंकि ये बिहार स्टेट वालों के लिए ही है। अगर परमानेंट एड्रेस यहाँ पर करेंट एड्रेस है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, और नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आधार कार्ड अपना नंबर दे दीजिएगा यहाँ पर, और आधार कार्ड का कॉपी भी आपको अपलोड करना है, पैन कार्ड भी देना है आपको यहाँ पे, और पैन कार्ड का भी कॉपी, क्योंकि इससे आपका जो है सैलरी वगैरह चेक किया जाएगा कि कहीं आप और कार्य तो नहीं कर रहे हैं या आप अपनी जगह पे किसी और को तो नहीं लगा रहे हैं, ये सारी चीज चेक होंगी। ईमेल आपका यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, मोबाइल नंबर अपडेट किया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको ध्यान में रखिएगा, नॉन मैट्रिक है या मैट्रिक पास है ये आपको बताना है, या इंटर पास है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है ये यहाँ से जरूर बता दीजिएगा। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, किस कैटेगरी में आते हैं आप, SC ST OBC जनरल या किसी माइनर कैटेगरी में है तो आपको बताना है। अब बैंक डिटेल अपना बताइएगा कि कौन किस बैंक का आपका बैंक डिटेल खाता है, वहां पे आपको अपडेट किया जाएगा, और उसी में आपको ये जो है 3,000 की जो स्कॉलरशिप है वो आपको शेयर किया जाएगा। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, और IFSC कोड अपना, और अपने पासबुक पे, है ना, जो भी पासबुक है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उसका भी फाइल 1 MB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जो फ्रंट पेज है पासबुक का वो आपको देना है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है, और जो अदर डिटेल आप डालना चाहते हैं जैसे कि आप कौन से क्राफ्ट में, जो मतलब शिल्प में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये बताइएगा, मधुबनी पेंटिंग, जूट क्राफ्ट, मंजूसा पेंटिंग, ये सब कुछ जो हमने आपको बताया है ये सारे वो पेंटिंग्स के नाम है, जो शिल्प कलाओं के नाम है, क्योंकि तो आप जिसमें करना चाहते हैं ट्रेनिंग वो तो कीजिएगा, और यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा, तो अपना कॉन्टेक्ट और ईमेल आईडी जो है वही दीजिएगा जो कि एक्टिव है यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये सारी डिटेल हमने आपको दी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एटलीस्ट जिनको जरूरत है उनको जरूर शेयर कर देंगे। जय हिंद।